एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस। मेरा नाम है सौम्या ओझा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके सीओडी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यू कैन कंसिडर दिस एज अ मॉक और अ टेस्ट, यानी आप अपना स्कोर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो रही है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेघालय सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड बाय एन ऑल मेल लेजिस्लेचर इन 1986। इट अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये आपके ऑप्शंस है, आप पॉज करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ द करेक्ट आंसर इज खसी या खासी एंड जयंतिया। ठीक है, ये आपके चैप्टर के जो लास्ट पेज में जो बॉक्स आता है ना, उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है एंड एक बार आया हुआ है सीटी में, सो मैंने आपका क्वेश्चन करा दिया। Now the next question is, which Indian sociologist wrote the book named The Remembered Village? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एम एन श्रीनिवास। ये भी एम एन श्रीनिवास के जो का जो बॉक्स दिया हुआ था ना चैप्टर में, उससे ये लाइन आई थी, तो उसमें बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिमेम्बर्ड विलेज, तो इसे आप लर्न कर लो, ये एक बार आया हुआ है। Now the next question is, the literal meaning of the term Varna means, again a very easy question, ये आपके options है ना, क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? कलर, कलर इज द राइट आंसर, वरना कलर। एंड इसका क्या फोर फोल्ड डिविजन थे वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर प्रिस्क्राइब वर्णास। ये आपके ऑप्शन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, शूद्र। सबको पता है यादव, यादव क्या है? डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, एंड ये सारे फोर फोल्ड डिविजन में आते हैं। एक और आता है वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हो गया हमारा फोर फोल्ड डिविजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the reason for the rise of nationalism sentiment in the country? ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कराया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म हमारा जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसके बाद से हम जानने लगे कि नहीं, हमारी भी एक नेशनल आइडेंटिटी है, तो उसी से वो फीलिंग आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो कॉलोनियलिज्म लेड टू नेशनलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंग्लिश, पोर्चुगीज, लैटिन, ग्रीक। इसका करेक्ट आंसर है पोर्चुगीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज हैज बीन कॉल्ड द पंचमास? ठीक है, दलित्स, हरिजन्स, आदि शूद्रास, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ पंचमास कौन थे? जो फोर फोल्ड डिविजन में नहीं आते थे, तो पंचमास बेसिकली द अनटचेबल्स, जिनको हम इन नाम से बोलते हैं। एंड हरिजन किसने नाम दिया था वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Identify which of the following social reform of preached brotherhood for all, which and fought against the ill effects of the caste system. He led a quiet but significant social revolution and gave the watchwords, one caste, one religion, one God for all men. तो ये आपका key sentence हुआ। ठीक है, आपके options है ज्योतिबा फूले, फूले की spelling गलत दी हुई है, श्री नारायण गुरु, ईवी रामस्वामी नायकर, डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो आपको वो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, श्री नारायण गुरु के, अयनकली के, पेरियर के, सावित्री बाई के, तो वो आपको अच्छे से रीड करना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर दिए, तो यू विल नॉट मिस आउट ऑन दैट। तो यस, श्री नारायण गुरु, तो आपको ये याद रखना है, इसका की सेंटेंस क्या है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, ये आपको याद करना है। एंड किसने ब्रदरहुड प्रीच किया? इन्होंने, श्री नारायण गुरु ने। तो ये तो आपके की सेंटेंसेस है, अगर कहीं पे भी ये सेंटेंस है तो श्री नारायण गुरु वुड बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है एंड इसका करेक्ट आंसर है संथल्स ऑफ बंगाल। ठीक है, भूमिहार्स ऑफ बिहार डोमिनेंट कास्ट, यादव्स ऑफ यूपी एंड बिहार डोमिनेंट कास्ट, वोकलिकास ऑफ कर्नाटका, इसके साथ लिंगायत्स भी कर्नाटका के डोमिनेंट कास्ट होते हैं। नाउ संथल क्या है? संथल एक ट्राइबल ग्रुप है बंगाल से जो बिलोंग करते हैं, सो दिस वोंट बी द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। ट्रेड्स नहीं है, ट्रेड्स है। Identifying an acquired trait from the list given below. Racial differences, occupation, mode of livelihood, ecological and geographical terrain, languages. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लाइवलीहुड। करेक्ट, ठीक है, ये ट्रेड्स नहीं है, ट्रेड है। ठीक है, ओके, सो द अक्वायर्ड ट्रेड्स में क्या आता है हमारा? ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लाइवलीहुड एंड असिमिलेशन इन टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ऐसे कैटेगरीज में होते हैं। सो दिस वुड बी द ऑप्शन, बाकी सारे आपके परमानेंट ट्रेड्स में आते हैं, लैंग्वेज और ये सब। ठीक है, Now, the next question is, tribals are asserting their identity more and more nowadays. This was possible due to which of the following factors? Okay, emergence of Christianity, emergence of new middle class, technology advancement, emergence to old feudal class. ठीक है, इसका option है emergence of new middle class,
इट वुड बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज कास्ट ग्रुप्स आर टर्म्ड एंड इट इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. क्या टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए? तो द करेक्ट ऑप्शन इज एंडोगैमिस. क्योंकि यूजली कास्ट ग्रुप्स में जो मैरिजेस रहते हैं वो सेम कास्ट में ही होती है, तो बेसिकली इन अपने ग्रुप में, सो एंडो ग्रुप. अगर ये बाहर होता तो हम उसे एक्सो ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, जैसे गोत्र गोत्र में देखा जाता है यूजली, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ओपन द फर्स्ट स्कूल. ठीक है, कीवर्ड पे ध्यान देना. फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन इंडिया, शी इज ऑफन रेफर टू एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफकोर्स सावित्री भाई फुले. ठीक है, एंड अगर ये भी आपको ऑप्शन में आए कि कौन प्लेग में सर्व करते करते गुजर गई थी, उनका भी आंसर, उसका भी आंसर सावित्री भाई फुले होंगी, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार पूछा गया एसयूटी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर डिसीजंस टेकन बाय द कॉलोनियल रूलर्स विच इंपैक्टेड द कास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखो, साइमन कमीशन, कास्ट सेंसस 1901, मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म्स, रॉलेट एक्ट. तो ये अगर आप पढ़े भी नहीं होगे तो आपको आंसर पता होगा, कास्ट सेंसस 1901. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्णा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्क्रिप्चर्स. नाउ वर्णा से ना काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूजली इस तरीके से ही आते हैं, सो यू मेक श्योर दैट आपको पता हो इसके बारे में, पता ही होगा. सो क्षत्रियास, दलित, शूद्र, ब्राह्मण्स. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है दलित. दलित यूजली बुक में अनटचेबल्स के जैसे रेफर किया गया है, हरिजन्स और फिर जो हमारे होते हैं, तो दे डू नॉट बिलोंग टू द फोर फोल्ड वर्णा वर्णा सिस्टम. सो दलित वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्राह्मण्स एंड शूद्रास, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, डिफरेंस एंड सेपरेशन, होलिज्म एंड हायरार्की. ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना. इसका करेक्ट ऑप्शन है प्योरिटी एंड पोल्यूशन. ठीक है, प्योरिटी, कौन प्योर है और कौन पोल्यूटेड है. सो बेसिकली एक नोशन बन गया था पहले कि अपर कास्ट जो है वो प्योर है, एंड जो सर्व करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं उन्हें पोल्यूटेड बोला जाता था, और फिर जो अनटचेबल्स होते थे उन्हें. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसी से तो हायरार्की बनी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिबाई फुले. आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, सत्यशोधक समाज, नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन है सत्यशोधक समाज. एंड ये कब फाउंड हुआ था? 1873 में. ठीक है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी बोलते हैं इसको, तो आप ध्यान देना इसको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ आइडेंटिटी अमंग द ट्राइब्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका ऑप्शन है कल्चर, ट्रेडिशंस, लाइवलीहुड, कंट्रोल ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये बॉक्स से लिया गया है, assimilation, sorry, articulation of identity से लेकर. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. यस, कल्चर ट्रेडिशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइबल्स के. लाइवलीहुड, क्या उनका मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है, ये भी अब आइडेंटिटी आर्टिकुलेट करता है. एंड कंट्रोल ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज, असर्ट कराता है अपनी आइडेंटिटी को. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन. Which of the policies helped in the emergence of the tribal middle class? New education policy, reservation policy, industrial project and green revolution. Now, वो middle class वाले option से इसको आप check कर सकते हो कौन सा option सही होगा. ठीक है, so the correct option would be reservation policy. जब reservation मिली scheduled tribes को, scheduled caste को, education and फिर employment opportunities में, तभी ना जाकर वो middle class emerge हुए, तभी तो वो एक assertive identity बनी, tribal identity, सब लोग अपनी identity के बारे में जानने लगे. So, reservation policy led to the emergence of the middle class, tribal class में जो middle class में है, और उससे ही जो बाकी सारी जो आती है, assertion आती है अपनी identity के लिए, articulation of identity आती है, वो उसी से आती है. ठीक है, I hope you got that. हमारा next question है, which of the following types of family is usually seen in India? All right, matrilocal, patrilocal, matrilineal, matriarchy. Now, family से related कोई भी question आता है तो काफी ज्यादा easy आता है sociology के CUET exam में. So, make sure that you attempt that. So, कौन सी family सबसे ज्यादा देखी जाती है? तो patrilocal. Patrilocal को किसके basis पे होता है? Residence के basis पे होता है. मतलब जब कोई newly wed couple groom के family में जाके settle हो जाए उसे patrilocal बोलते हैं. अगर bride के घर पे जाके settle हो जाए तो matrilocal बोलते हैं. Matrilineal मतलब जो डिसेंट होता है, बेसिकली जो पीढ़ी चलती आती है कि इसका सामान इसको जाएगा, इसका सामान इसको जाएगा, अगर वो लेडीज के थ्रू, अगर वो मदर साइड से हो तो उसे मैट्रिलिनियर बोलते हैं. और मैट्रियार्की होता है द हेड ऑफ द फैमिली इज अ फीमेल और इज अ मदर, जो कि नहीं देखा जाता है, पेट्रियार्की देखी जाती है. ऑलराइट,
सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द फैमिलीज एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रीलोकल. बाकी सारा नहीं देखा जाता है, पेट्रीलोकल देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट फीचर्स आर दी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट. ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट ट्रिक कर सकता है. एंशियंट स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट, एंशियंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, विक्टोरियल टेक्स्ट और टेक्स्ट कैलीग्राफिक टेक्स्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंशियंट स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट. स्क्रिप्ट में ना लिखा हुआ है ना वर्ण के बारे में और ये सब के बारे में, तो इसलिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोरेटिकली द कास्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स. ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में हमने हायरार्किकल ऑर्डर पे फोकस किया था, इस पे हम पूरे कास्ट सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑप्शंस अलग अलग होंगे. ठीक है, तो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो कास्ट सिस्टम को डिफाइन करते हैं? प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, डिफरेंस इन सेपरेशन, या होलिज्म इन हायरार्की, या बोथ टू एंड थ्री? इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ टू एंड थ्री. ठीक है, सो वी सी डिफरेंस इन सेपरेशन ग्रुप्स के बीच में एंड होलिज्म इन हायरार्की. एक हायरार्की रहती है, कैसे कैसे एक एक दे रहते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट होता है वैसे. और अगर हायरार्की के बारे में पूछा जाए कि वो कौन से सिस्टम पे आता है, वो कौन सा नोशन फॉलो करता है, तो वो प्योरिटी एंड पोल्यूशन, बिकॉज अपर कास्ट लोअर कास्ट वैसे करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट एवर कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया. ठीक है, एंड ये कब हुआ था? मैंने पहले क्वेश्चन में कराया है, लेकिन आप फिर भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कब हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया. किसने कराया था? लुईस ने कराया था, सर रॉबर्ट ने कराया था, हर्बर्ट रिजली ने कराया था, कि मैक्स वेबर ने कराया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है हर्बर्ट रिजली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव लीगल रिकॉग्निशन टू लिस्ट्स और शेड्यूल्स ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स मार्क्ड आउट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट. ठीक है, कौन से लीगल रिकॉग्निशन ने सॉरी कौन से एक्ट ने लीगल रिकॉग्निशन दी थी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से? तो ये ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रॉलेट एक्ट, प्लानिंग कमीशन. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है 1935. लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं 1990 में, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस, दिस इज अ राइट ऑप्शन. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन केरला. अगेन कीवर्ड्स पे ध्यान दो, केरला, एंड वाज अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट एंड दलित्स. विथ हिज एफर्ट्स दलित गॉट द फ्रीडम टू वॉक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम टू वॉक ऑन पब्लिक रोड्स एंड दलित चिल्ड्रन वर अलाउड टू जॉइन स्कूल्स. ठीक है, कौन है ये? अयन कली जी है, एम एन श्रीनिवास है, ज्योतिबा फूले हैं, कि सावित्री बाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अयंकली. ऑल राइट, ब्रदरहुड वन कास्ट वन रिलीजन वाला पॉइंट श्री नारायण गुरु का होगा. एंड ये जो ऑप्शन है दलित से रिलेटेड फ्रीडम टू वॉक वाला जो ऑप्शन है वो अयंकली को जाएगा. ठीक है, एंड सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फर्स्ट स्कूल फॉर विमेन एंड शूद्रास. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द रैशनलिस्ट एंड द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एम जी रेनाडे, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामानुजन. इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ पॉज करके. इसका करेक्ट ऑप्शन है पेरियार. ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये एक रैशनलिस्ट थे. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर आए एंड अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि साउथ इंडिया केरला से बहुत लोग है. ठीक है, सो कीवर्ड्स पर फोकस करना है. एंड इनका एक और लाइन है लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी करके. ठीक है, तो अगर उसमें भी कोई ऑप्शन है तो पेरियार वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंसेप्चुलाइज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. एम जी रेनाडे, जी एस घुरिये घुये, एम एन श्रीनिवास, माजुमदार. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स आर लेसर इन नंबर और साइज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन. अगेन आपको वो पढ़ना होगा परमानेंट ट्रेड्स है ना, उसको एक बार रीड कर लो. उतना ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो किस ट्राइबल ग्रुप का साइज बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द अदर्स? क्या ऑप्शन होगा इसका? एंडमीज, एंडमनीज, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बस यस. एंड बाकी सब की पॉपुलेशन ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द फॉलोइंग बुक कल्चर पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी द केस ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया. अगेन इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये एक बॉक्स से लिया गया है एंड इट वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक बार सीयूटी में आ गया है. नाउ इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका मैंने बॉक्स भी कवर करा दिया है, सो यू डोंट हैव टू वरी मच. ऑलराइट, इसके ऑप्शन है दीपक मेहता, मैरी क्यूरी, वर्जीनिया जाजा, जी एस घुई. इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्जीनिया जाजा. ठीक है, उतना ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट हाँ एक लाइन दी हुई थी तो उसे आपको याद करना पड़ेगा. यहां से भी आपको याद हो गया है, सो या ग्रेट.
वर्जीनिया सासर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक भी आ सकती है, वर्जीनिया सासर ने कौन सी बुक लिखी थी? ऑथर क्या था किस बुक को? तो कल्चर पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी, द केस ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में ना लर्निंग से ज्यादा ना आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो, भले आपको याद ऐसा सच नहीं हो रहा है, बट आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको उधर एग्जाम में याद रहेगा कि मैंने ये वर्ड कहीं ना कहीं देखा है, एंड उस कहीं ना कहीं से भी ना आपके ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू रीड वंस, ऑलराइट? टेंशन मत लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंस्टीट्यूशंस इज ऑफन नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी? बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली। ठीक है, फैमिली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होता है सोशल, बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द ट्राइबल ग्रुप्स बिगिन टू डिफाइन देमसेल्व्स एज ट्राइबल्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द न्यूली इनकाउंटेड अदर्स? ठीक है, तो वो क्या सेंस होता था कि ट्राइबल ग्रुप्स अपने आप को ट्राइबल्स डिफाइन करने लगे थे एंड अपने आप को डिस्टिंग्विश करने लगे थे, अपने आप को अपने तरीके से आइडेंटिफाई करने लगे थे? क्या वो टॉपिक है, क्या वो टर्म है? ट्राइबलिज्म, आदिवासी आइडेंटिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, कम्युनिज्म। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्राइबलिज्म। ठीक है, लोग अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगे थे, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, तो ट्राइबलिज्म वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इस क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन याद आता है जो कि रिलेटेड था अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड अबाउट द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के, जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं, कॉलोनियलिज्म के जो एक्सप्लॉयटेशन हुए ट्राइबल्स पे, तो कौन से वो दो एरियाज है जिनको डिस्टर्ब्ड एरियाज बोला जाता है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, एक होता है मणिपुर, दूसरा कौन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ओके ओके, सो मैंने जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने करा दिए हैं। आई नो आप पूरी टेक्स्ट अच्छे से रीड कर रहे हो, बट यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो यूजुअली मिस हो जाती है सबसे, तो आई हैव पुट अप द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल्सो इस चैप्टर से आप एक बार वो परमानेंट ट्रेड्स ठीक से देख लेना, 85%, 15%, 11% जो भी रेट है, एक बार रीड कर लोगे आपको याद रहेगा। आई टोल्ड यू आइडेंटिफिकेशन का गेम होता है पूरा सीयूटी का, सो एक बार रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा तो यू प्रीटी मच डन, बस रिवाइज करना है उसको। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट परमानेंट ट्रेड्स कर लिया, बाकी सारा आई थिंक आई मोस्टली कवर्ड, तो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए हैं। इफ यू स्टिल फील कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, एंड एमसीक्यूज और बाकी सारे के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ट्विन ब्रोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑलराइट, बाय बाय।